हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन आई होप यू आर आर डिंग वेल एंड स्टेइंग सेफ सो अभी हम आ गए वापस से अपने कंप्यूटर सीरीज़ पे. सो so, आज है हमारा कंप्यूटर का चैप्टर फाइव दैट इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन सो so, सॉरी काफ़ी दिन के बाद वीडियो आने वाली है क्योंकि थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था वायरल हो रहा था सबको तो मुझे भी हो गया सॉरी फॉर दैट एंड मैं ट्राई करूँगी कि अभी जो है डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज में जो है वीडियोज़ जा so, आ जाएँ सो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फाइव जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सो so, डेटा रिप्रेजेंटेशन से हम क्या समझते हैं डेटा मतलब रॉ इन्फॉर्मेशन राइट एंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना किसी भी चीज़ को अच्छे से मतलब उस प्रेजेंटेशन वे में जैसे हम बोलते हैं ना रिप्रेजेंट करना उसको तो उसको दिखाना तो रॉ मटेरियल को जो है हम रॉ uh, इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में एंड कंप्यूटर उस पर किस तरीके से वर्क करता है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो रेफ़र किया गया है उन मैथड्स को विच आर यूज इंटरनली टू रिप्रजेंट इंफॉर्मेशन stored इन अ computer. Computer स्टोर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ information एज नंबर्स टेक्स ग्राफिक्स sounds, etc. ठीक है जैसे कि हमें पता है कि डेटा डेटा कहीं ऐसा नहीं लिखा कि डेटा सिर्फ टैक्चुअल फॉर्म में होता है कि सिर्फ टेक्स्ट होता है डेटा कुछ भी हो सकता है ठीक है एनी कुछ भी कोई पिक्चर कोई नंबर्स कोई टेक्स्ट ठीक है कोई भी मतलब कोई भी चीज़ जो है वो डेटा हो सकता है ऐसा नहीं है सिर्फ कि टेक्चुअल फॉर्म में की फॉर्म में डेटा होता है सो डेटा रिप्रेजेंटेशन किसको बोला गया है कि कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर होता है इंटरनली जब वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको डेटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं कंप्यूटर में बहुत सारा और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है मतलब बहुत सारा डेटा होता है कंप्यूटर में स्टोर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इन देंस की टेक्स की फॉर्म में भी होता है नंबर्स की फॉर्म में भी होता है ग्राफिक्स की फॉर्म में भी होता है साउंड साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वही हमने इसमें पढ़ना है सो so, सबसे पहले इसमें आएगा आपका नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है इट डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिजिटल कंप्यूटर्स इंटरनली यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट डेटा एंड परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस अब मैं आपको पहले बता दूं बाइनरी नंबर्स सिस्टम किसको बोला जाता है जैसे कंप्यूटर में हम कोई भी डेटा डालते हैं इनपुट करते हैं ठीक है तो कंप्यूटर में हमने कोई भी डेटा डाला वो हमने टेक्स्ट की फॉर्म में डाल सकते हैं पिक्चर की फॉर्म में ठीक है किसी भी फॉर्म में डेटा हमने जो है डाला अब कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता है बाइनरी लैंग्वेज होती है ज़ीरो और वन की फॉर्म में ठीक है तो कंप्यूटर क्या करता है उस सारे के सारे डेटा को ज़ीरो और वन की फॉर्म में बना करके कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है तो इसको बोलेंगे हम बाइनरी लैंग्वेज जो जीरो और वन की फॉर्म में होती है ठीक है सो नंबर सिस्टम किसको डिफ़ाइन किया गया है एक सेट ऑफ वैल्यूज़ जिसको यूज़ किया जाता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है जो डिजिटल कंप्यूटर इंटरनली यूज़ करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है यूज़ करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको परफॉर्म करने के लिए कोई भी अर्थामेटिक कैलकुलेशन ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम सो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में आ, सबसे पहली टाइप जो है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ जीरो और वन की फॉर्म में होता है ठीक है अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ज़ीरो जो है उसको क्या बोला जाता है वन को क्या बोला जाता है तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं दिस सिस्टम इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर्स बट नॉट फॉर ह्यूमंस ये जो सिस्टम है यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा एफिशियंट है लेकिन ह्यूम्स के लिए नहीं है क्योंकि अगर हमारे सामने ऐसे कोडिंग करके रख दी जाए जीरो और वन की तो क्या हम उस चीज़ को समझ पाएंगे उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे उस कोडिंग को पाएंगे नहीं क्योंकि हम टेक्स्ट नंबर्स की फॉर्म में जो है पिक्चर्स की फॉर्म में भी डेटा को अंडरस्टैंड कर पाते हैं लेकिन जीरो वन की फॉर्म में नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ कौन कर पाता है कंप्यूटर कर पाता है बाइनरी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर्स के लिए बहुत एफिशिएंट है लेकिन वो ह्यूमन बींग्स के लिए एफिशिएंट नहीं है इसमें जो है दो यूनिक डिजिट्स होते हैं जीरो और वन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ज़ीरो और वन जो है वो बाइनरी नंबर्स होते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ बेस टू सिस्टम इनको बेस टू सिस्टम भी बोला जाता है अ स्ट्रिंग विच हैज एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज टू डिजिट्स जीरो एंड वन आर कॉल्ड अ बिट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर एक स्ट्रिंग जिसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है जीरो वन का कॉम्बिनेशन हो उसको क्या बोला जाता है उसको बिट बोला जाता है और उसको बाइनरी नंबर भी बोलते हैं कंप्यूटर जो है वो हमेशा कैलकुलेट करता है इनपुट को बाइनरी फॉर्म में मतलब कि जो भी हम डेटा कंप्यूटर में डालेंगे कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है कंप्यूटर हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही डेटा को एक्सेप्ट करता है तो कंप्यूटर में जैसे हमने इनपुट डाला कंप्यूटर उसको पहले क्या करेगा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल उसको वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा उसके बाद में वो समझ पाएगा उसको कि हमारा डेटा एक्चुअल में है क्या ठीक है नेक्स्ट आता है आपका हेयर्स टू हेयर्स टू रिप्रेजेंट्स बेस ऑफ बाइनरी नंबर अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट सेवरल पावर ऑफ टू इज यहाँ पे दिया गया है ठीक है किस तरीके से कोडिंग करी है इसकी जैसे टू की पावर वन आ, ये चीज़ें हमने मैथामेटिक्स में भी पढ़ी हैं ठीक है थीके? किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होती है मान लीजिए एट की पावर हमारे पास ज़ीरो है तो वो वन के बराबर होता है ठीक है एट की पावर अगर वन है तो वो वन एट के बराबर होगा एट की पावर अगर टू है तो क्या होगा एट का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटी फोर होता है ठीक है इस तरीके से जो है वो टू जो है रिप्रजेंट करता है किस तरीके से वो इसमें दिखाया गया है उसके बाद में अगर आता है हमारा Decimal number system, the number system that we use in our day to day life. इन डेसिमल नंबर सिस्टम ठीक है वो नंबर्स जो हम डेसिमल की फॉर्म में अपनी डे टू डे लाइफ डे डे टू लाइफ में यूज़ किए करते हैं जिस नंबर सिस्टम को उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम इसमें दस डिजिट्स होते हैं जीरो टू नाइन जीरो टू नाइन डिजिट्स इसमें इंक्लूड होते हैं ठीक है ये जो डिजिट होते हैं ना ये रिप्रजेंट करते हैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को इट ऑल्सो नोन एज इनको बेस टेन सिस्टम बोलते हैं या फिर पोजिशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं एग्जाम्पल आगे इसकी ये कि इसमें जीरो से लेकर के नाइन तक कोई भी नंबर हो सकते हैं ठीक है उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम तो इसमें आपके एट डिजिट कंसिस्ट होते हैं इसमें ज़ीरो से सेवन तक के इनको जो है बेस एट सिस्टम बोलते हैं हर एक पोजीशन पे ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करता है सक्सेसिव पावर ऑफ एट ठीक है तो ऑक्टल किससे बनता है एट से एट से बना ऑक्टल तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आठ डिजिट्स होते हैं जीरो से लेकर सेवन तक इसको एट सिस्टम भी बोलते हैं ठीक है बेस सिस्टम बोलते हैं हर एक पोजिशन जो होगी ऑक्टल नंबर की वो रिप्रेजेंट करता है एक सस, सक्सेसिव पावर ऑफ एट तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है फिर उसके बाद में देखिए आगे क्या लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टल नंबर्स इन बाइनरी सो so, ऑक्टल में जो जीरो है वो क्या बाइनरी रिजल्ट शो करता है ट्रिपल जीरो वन करता है जीरो जीरो वन टू करता है जीरो वन ज़ीरो थ्री करता है ज़ीरो वन वन ठीक है इस तरीके से इसकी जो है वो आ, कोडिंग हुई है उसके बाद में आता है आपका हेग्जार डाइमल नंबर सिस्टम सो so, हेजार डाइमल नंबर सिस्टम में जो है ना ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट हैंड मैथड ऑफ वर्किंग विद बाइनरी नंबर ये हमें क्या प्रोवाइड करता है एक शॉर्ट हैंड मैथड प्रोवाइड करता है वर्किंग का फाइनरी नंबर्स के साथ में देयर आर सिक्सटीन यूनिक डिजिट्स अवेलेबल इन द सिस्टम कौन कौन से है वो सिक्सटीन दीज आर जीरो टू नाइन जीरो से लेके कर नाइन तक और ए से लेके एफ़ तक अल्फाबेट जिसमें ए जो है वो डिनोट करता है टेन को बी डिनोट करता है इलेवन को और वैसे ही एफ़ जो है वो भी आगे मतलब पूरा कॉन्टिन्यू बी के आगे सी आ गया सी ट्वेल्व को करेगा डी थर्टीन को करेगा इस तरीके से एफ़ जो है वो फिफ्टीन को डिनोट करता है ठीक है इसको बेस सिक्सटीन सिस्टम या फिर सिंपली हैगजन हैग्ज़ भी बोलते हैं हर एक पोजीशन जो है वो हैगजा डैसीमल नंबर जो रिप्रेजेंट करता है सक्सेसिव पावर ऑफ सिक्सटीन यहाँ पर उसका भी जो है डेसिमल um, बाइनरी और हेक्जा डेसीमल इक्वल एंड बताया गया है जैसे डेसिमल जीरो है तो बाइनरी में ये चार जीरो है हेगा डेसीमल में एक फिर वन तो ट्रिपल ज़ीरो वन और देन वन इस तरीके से जो है इसका पूरा टेबल बना हुआ है ठीक है ये देखिए पूरा फिफ्टीन तक का इसका टेबल है नाइन तक आपका में 9 आता है और टेन पे आपका ए आ जाता है और फिफ्टीन पे आपका एफ आ जाता है यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो उसके बाद में आता है कन्वर्जन बिटवीन द नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में क्या कन्वर्ज कन्वर्जन uh, हुआ है वो देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन बिटवीन द नंबर सिस्टम आर बिलो तो कौन कौन सा है वो डेसीमल टू बाइनरी हमने पढ़ना है सो so, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को uh, जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ता है स्टेप वन है डिवाइड द गिवन नंबर बाय टू जो भी आपके पास नंबर होगा उसको आपने टू से डिवाइड कर देना है सेकंड स्टेप है नोट द क्वेश्चन रिमाइंडर आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर को नोट कर लेना है रिमाइंडर जो है वो जीरो या वन होना चाहिए और क्वेश्चन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए देन अगेन डिवाइड द क्वेश्चन बाई टू और अगेन आपका क्वेश्चन को आपको क्या करना है टू से डिवाइड करना है और एंड बाई

बिट बोलेंगे एम एस बी और फिफ्थ स्टेप है आपका अरेंज ऑल रिमाइंडर्स फ्रॉम एम एस बी टू एल एस बी यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक आपको सारे रिमाइंडर्स को क्या कर देना है अरेंज कर देना है एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं सो so, टू से करा फोर्टी थ्री तो आपका रिमाइंडर क्या आया वन यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं ये आपका एल एस बी आया है या आपका एम एस बी आया है चलिए नेक्स्ट आता है आपका बाइनरी डेसिमल्स टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल फॉलोइंग स्टेप्स अभी पहले तो डेसिमल टू बाइनरी अब बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो क्या करेंगे ठीक है मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है अगर डिवाइड किया तो तो इसमें मल्टीप्लाई का कुछ होगा तो चलिए स्टेप वन पढ़ते हैं मल्टीप्लाई ऑल द बाइनरी डिजिट्स बाय पावर ऑफ टू आपका पावर ऑफ टू से जो है मल्टीप्लाई करना है जितने भी आपके पास में बाइनरी डिजिट्स होंगे स्टेप टू है आपका पावर ऑफ इंटेग्रिल पार्ट विल भी पॉजिटिव एंड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट विल भी नेगेटिव जो आपका इंटेग्रिल पार्ट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और फ्रैक्शनल पार्ट जो आपका नेगेटिव होगा ठीक है आपको क्या करना है जितने भी मल्टीप्लाइंग डिजिट है उनको एड कर लेना है अभी आपकी एग्जाम्पल दीजिए आगे इस एग्जाम्पल में आप इसको देख सकते हैं अभी बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे तो उसके भी कुछ स्टेप्स होंगे फर्स्ट स्टेप है मेक द ग्रुप ऑफ थ्री बिट्स आपको तीन तीन बिट्स का ग्रुप बना लेना है ठीक है थ्री बिट्स का ग्रुप बना लेना है पहले तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ बनाना है अगर लेफ्ट मोस्ट ग्रुप जो है हैज लेस देन बिट्स अगर लेफ्ट मोस्ट ग्रुप में तीन से कम जो बिट्स हैं पुट इन द नेसेसरी नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज ऑन द लेफ्ट तो आपको क्या करना है जीरोज पुट कर देना है लेफ्ट साइड पे नाउ कन्वर्ट ईच ग्रुप टू डे डेसिमल नंबर अब आपको हर एक ग्रुप को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देना है तो ये उसकी एग्जाम्पल है आप इसमें देख सकते हैं उसके बाद में आता है आपका ऑक्टल टू बाइनरी तो कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल टू बाइनरी आपको क्या करना पड़ता है कन्वर्ट एवरी डिजिट ऑफ नंबर फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी इन द ग्रुप ऑफ थ्री बिट्स आपको क्या करना है हर एक डिजिट नंबर्स के जो डिजिट्स हैं ना ऑक्टल से लेके बाइनरी तक उनको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है थ्री थ्री बिट्स में ठीक है तो ये आपकी एग्जाम्पल दी है आप इसको यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से वन जीरो थ्री फोर पॉइंट फाइव था ना हमारे पास में वन जीरो थ्री फोर पॉइंट फाइव मतलब फाइव तो यहाँ से आपने इसको क्या कर देना इसकी कोडिंग कर देनी है उसके बाद में बाइनरी से हेक्रासिमल में जाने के लिए क्या करना है बाइनरी नंबर से आपको हेक्रासिमल इक्वलेंट जाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना है सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट मेकिंग द ग्रुप ऑफ फोर बिट्स आपको चार चार बिट्स का ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देना है कहाँ से लेकर के राइट से लेफ्ट की तरफ फ्रॉम द गिवन बाइनरी नंबर अगर आपका लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट ग्रुप जो है वो चार बिट से कम है तो उसमें उस आपने क्या करना है जीरो जो है वो नेसेसरी अगर वो आपको होगा तो आपको लेफ्ट साइड पे जीरो लगा देना है अब क्या करें नाउ ईच ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर अब हर एक ग्रुप को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप, आपने क्या किया आपके पास एक एग्जाम्पल थी आपको ये गिवन था आपने चार चार बिट्स में इनको कन्वर्ट कर लिया ठीक है उसके बाद में आप क्या करोगे इसको पूरा डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे उसके बाद में आपका आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बाइनरी पहले टू हेक्साडेसिमल पढ़ा था अब पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए फॉर दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल आपको हर एक हेग्जा uh, डिजिट को चार बिट्स बाइनरी इक्वलैंड में कन्वर्ट कर देना है ठीक है जैसे आपको एग्जाम्पल में ये गिवन हुआ है बी इज इक्वल टू इलेवन ए इज इक्वल टू टेन एंड एट और वन तो आपको इसको क्या कर देना है इसको बाइनरी इक्वलन में कन्वर्ट कर देना है उसके बाद में आएगा आपका डेसिमल टू ऑक्टल तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे स्टेप वन है आपको डिवाइड करना है गिवन नंबर को ऑक्टल में जाना है तो एट से डिवाइड करेंगे फिर आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर को नोट कर लेना है ठीक है ऑफ रिमाइंडर विल बी फ्रॉम जीरो से सेवन तक तो कोई भी डिजिट हो सकता है आपका रिमाइंडर रे, रे, में ठीक है तो आपको क्या आपको जो क्वेश्चन वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए फिर आपको अगेन क्वेश्चन को डिवाइड करना है एट से और वापस से आपको सेकेंड स्टेप जो है वो करना है अगर आपको जब आपका क्वेश्चन जीरो आ जाता है या फिर लेस देन एट आता है तो देन आपको प्रोसेसिंग जो है वो बंद कर देनी है फिर आपको हर एक रिमाइंडर को ना लेफ़्ट से राइट uh, लिखना है स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट uh, से आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक उसको जो है वो लिखना है ठीक है उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है ऑक्टल टू डेसिमल इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक डिजिट को ऑक्टल नंबर से विद पावर ऑफ एट फिर आपको ये पावर्स जो है वो पॉजिटिव इंटेग्रियल पार्ट्स के लिए रखनी है और नेगेटिव आपकी फ्रैक्शनल पार्ट के लिए फिर आपको क्या करना है सारे के सारे मल्टीप्लाइंग डिजिट्स को ऐड कर देना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल में गिवन है उसके बाद में आता है डेसीमल टू हेक्साडेसिमल तो कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल uh, को हेक्साडेसिमल में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं तो सबसे पहला स्टेप इसमें आता है डिवाइड द नंबर बाय 16 से आपको नंबर को डिवाइड करना है क्वेश्चन टोरी मंबर को जो है माइंड में रखना है आपके जो रिमाइंडर होगा वो जीरो से नाइन के बीच में होगा या फिर ए से एफ़ के बीच में होगा क्वेश्चन जीरो नहीं होना चाहिए उसको अगेन आपको सिक्सटीन से डिवाइड करना है और वापस से सेकेंड स्टेप जो है वो परफॉर्म करना है क्वेश्चन जीरो आ जाएगा या सिक्सटीन से कम आ जाएगा तो आपको प्रोसेस को स्टॉप कर देना है और फिर उसको रिमें रिमेंडर जो होंगे ना जितने भी उनको लेफ़्ट टू राइट जो है लिखना है फ्रॉम एम एस डी टू एल एस डी ठीक है सो so, ये आपको अभी तो याद हो गए होंगे बार बार रिपीट ये सुनकर के स्टेप्स सोच चलिए नेक्स्ट आता है आपका हेक्साडेसिमल डेसीमल से आपको जाना है डेसीमल में सो so, उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं सबसे पहला स्टेप है मल्टीप्लाई करना है आपको हर एक डिजिट को हेक्साडेसिमल नंबर से जिसकी पावर सिक्सटीन होनी चाहिए ये नंबर्स जो है वो पॉजिटिव होंगे इंटीग्रल पार्ट के लिए और नेगेटिव होंगे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए और फिर जितने भी मल्टीप्लाइंग डिजिट्स होंगे उन उनको आपको ऐड कर देना है उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल सो so, uh, इसके लिए आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है हर एक डिजिट को ऑक्टल अक, uh, नंबर के बाइनरी नंबर में और फिर अगेन उसको कन्वर्ट करना है हर एक बाइनरी डिजिट को हेगजन हैक्जर, uh, हेगजरेमल नंबर में ठीक है उसके बाद में आपका आता है हेगरेसिमल से ऑक्टल में तो उसका फर्स्ट स्टेप है कि आपको कन्वर्ट करना है जितने भी डिजिट्स होंगे ना एक्सडासीमल नंबर के उनको बाइनरी नंबर्स में और फिर अगेन उसको क्या करना है हर एक बाइनरी डिजिट को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर देना है अभी आपके ये कुछ जो है कन्वर्जन तो खत्म हो गए हैं अभी नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर कोड्स सो कंप्यूटर कोड्स पढ़ेंगे इट इन कंप्यूटर एनी करेक्टर लाइक अल्फ़ाबेट डिजिट और स्पेशल करेक्टर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ वन एंड जीरोज़ इन अ यूनिक कोडेड पैटर्न जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर में कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं कोई भी डिजिट कोई भी रॉ डेटा हम डालते हैं तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है बाइनरी नंबर्स में जीरो और वन की फॉर्म में और ये एक यूनिक कोडेड पैटर्न है कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड कर पाता है ठीक है तो कंप्यूटर्स में जो कोड है वो किससे मेड अप ऑफ फिक्स साइज ऑफ ग्रुप्स ऑफ बाइनरी पोजिशन ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखो जीरो वन जीरो वन जीरो वन जी होगा नहीं उन्होंने मतलब कंप्यूटर में जो है वो फिक्स्ड साइज ग्रुप्स ऑफ बाइनरी पोजीशंस होती हैं बाइनरी कोडिंग स्कीम जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे सो so, सबसे पहले उसमें आती है बी सी डी सो बी सी डी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल ठीक है ये सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था आई के द्वारा ये एक नंबर सिस्टम है जहाँ पर चार बिट्स यूज होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए ईच डेसिमल डिजिट को ठीक है बी एक मेथड है जिसको यूज़ करते हैं बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉरी बाइनरी डिजिट्स यूजिंग द बाइनरी डिजिट्स ये बाइनरी डिजिट यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल डिजिट्स को फ्रॉम जीरो टू नाइन ठीक है बी सी डी यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम जो है ना देर इज़ नो लिमिट ऑन साइज़ ऑफ अ नंबर मतलब नंबर के साइज़ की कोई लिमिट इसमें नहीं है उसके बाद में आपका सेकेंड आता है ए एस सी आई आई तो ये आता है इट स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो ये जो है ये स्टैंडर्ड करेक्टर कोड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए ताकि इट मे बी यूज़ बाय अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ताकि इसको जो है बाकी के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी यूज़ कर सकें बेसिकली जो ए एस सी आई आई कोड है ये फॉलो करते हैं दो टाइप्स को सबसे पहले इसमें आता है ए एस सी डबल आई सेवन इसमें सेवन बिटैंड स्टैंडर्ड्स होते हैं ठीक है कोड के और ये अलाउ करता है टू रेज टू पावर सेवन दैट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एट फ्रॉम ज़ीरो टू वन ट्वेंटी सेवन यूनिक सिम्बल्स और करेक्टर्स इसमें होते हैं क्योंकि टोटल कितने होते हैं वन ट्वेंटी एट जिसमें आपका जीरो भी आता है फिर उसमें आता अगला आपका एस सी डबल आई एट तो ये जो है एक्सटेंडेड करता है वर्जन ऑफ सेवन का ही जो वर्जन है उसको एक्सटेंड एक्सटेंडेड करता है ये तो इसमें एट बेड कोड्स होते हैं जो अलाउ करते हैं टू रेस टू पावर एट दैट इज़ टू फिफ्टी सिक्स तो जीरो से लेकर के टू फिफ्टी फाइव यूनिक सिंबल्स और करेक्टर्स इसमें होते हैं नेक्स्ट आता है आपका ई बी सी डी आई सी ठीक है ये स्टैंड करता है फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसमें होता है क्या है कि जो करेक्टर्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं एट बिट्स के द्वारा ये कोड्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन uh, को स्टोर करते हैं जो कि रीडेबल होती है मतलब जिसको हम पढ़ पाते हैं या रीडेबल होती है बाय द अदर कंप्यूटर्स ठीक है और ये अलाउ करता है टू रेज टू पावर एट यानी कि 256 कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स को उसके बाद में आता है आपका लॉजिक गेट सो लॉजिक गेट जो है ना इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट का ये एक बेसिक सा बिल्डिंग ब्लॉक uh, है जिसमें दो इनपुट और वन आउटपुट होता है द रिलेशनशिप बिटवीन इन द इनपुट एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन द सर्टन लॉजिक मतलब इनपुट आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ लॉजिक्स पे डिपेंड है ये गेट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस या जिनको ट्रांजिस्टर या डायोड्स बोलते हैं ठीक है जैसे ये आपका आ गया लॉजिक ऑपरेशन यहाँ से इनपुट गया लॉजिक ऑपरेशन से गुजरते हुए आपका आउटपुट ठीक है उसके बाद में आता है टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स तो सबसे पहले इसमें आता है एंड गेट ठीक है ये गेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है फुल स्टॉप को लाइक ए फुल स्टॉप बी ठीक है या ए डेसिमल बी भी बोल सकते हैं इन एंड गेट जो इट रिटर्न ट्रू ओनली बोथ द कंडीशंस आर इनपुट्स आर ट्रू ये जो है एंड गेट जो होता है ना ये रिटर्न कर देता है अगर दोनों की दोनों कंडीशंस या इनपुट्स जो होते हैं वो सही होते हैं ठीक है अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स अगर वो गलत होंगे तो वो उसके रिज़ल्ट में क्या आएगा वो फॉल्स आएगा ठीक है उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट ए बी और एक्स ए आपका का जीरो बी आपका का जीरो एक्स बी जीरो ए जीरो बी वन एक्स वन ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद में आता है ओ आर गेट ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के साइन के थ्रू जैसे ए प्लस बी इट रिटर्न ट्रू इफ ये सही तब होता है जब एक कंडीशन या एक इनपुट सही होगा ना तो ये सही हो जाता है ठीक है अगर दोनों ही गलत होएंगे तो ये गलत होएगा एक सही होगा तो एक ये जो है सही हो जाएगा इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद में आता है आपका इन्वर्टर और नॉट गेट ठीक है तो ये गेट जो है ये और ये भी रिप्रेजेंट किसके द्वारा होता है एपोस्ट्रॉफी बोल सकते हैं हम सिंगल वाली लाइक इस तरीके से ठीक है इन नॉट गेट इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ इनपुट इज़ फॉल्स एंड वाइस वर्सा अगर आपका इनपुट फॉल्स होएगा गलत होएगा तो इसमें क्या होएगा ट्रू होएगा यहाँ पे आप इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हैं उसके बाद में आता है आपका एन अन, एंड गेट इसमें क्या होता है बेसिकली ये एक इन्वर्स है एंड गेट का ही ठीक है ये गेट डिज़ाइन हुआ है किसके द्वारा कम दो चीज़ों को कंबाइन करके एंड और नॉट गेट को कंबाइन किया तो एन एंड बन गया ये रिटर्न फॉल्स कब आता है जब बोथ कंडीशंस बोथ इनपुट्स ट्रू होते हैं अदरवाइज इट रिटर्न्स ट्रू ठीक है ये इसका ट्रुथ टेबल है फिर उसके बाद में आता है आपका नॉर्थ गेट नॉर्थ गेट जो है वो इनवर्स है और गेट का ये गेट डिज़ाइन हुआ है ओ आर और, और नॉर्थ गेट दोनों को मिला करके और ये सही कब होता है जब दोनों की दोनों कंडीशंस या डेटा इनपुट जो डाला है वो फॉल्स होगा तो अगर नहीं होगा फॉल्स तो वो रिटर्न भी फॉल्स में आएगा ठीक है ये इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हो उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका अच्छा यहाँ पर एक नोट गिवन है कि एन आन, एंड और नॉर्थ गेट जो है उनको यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद में आता है आपका एक्सक्लूसिव ओ आर और एक्सोआर गेट तो ये परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ ओ आर गेट पे ही बेस्ड है ये ठीक है ये कब ट्रू रिटर्न होता है अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं फ्रॉम बोथ द कंडीशन अदरवाइज ये फॉल्स हो जाता है तो उसका ट्रूथ टेबल यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं एंड लास्ट में आता है इसका टेडबेट्स सुटेड so, बिट्स में आपका आएगा यूनिकोड जो है यूज सिक्स बिट्स यूज़ होते हैं यूनिकोड यूनिकोड जो है यूज़ करता है सिक्स बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोई भी सिंबल डेटा में कोई भी सिंबल को रिप्रेजेंट करना हो तो सिक्स बिट्स को यूनिकोड जो है वो यूज़ करता है इट रिप्रेजेंट एनी नॉन इंग्लिश करेक्टर ठीक है कोई भी नॉन इंग्लिश करैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा साइंटिफिक सिंबल में इन एनी लैंग्वेज लाइक चाइनीज या जापनीज जो भी चाहते हैं साइन बिट्स जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द साइन ऑफ अ नंबर दैट कुड बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं एंड ये आगे वाले आप पढ़ सकते हो सो so, इस चैप्टर में बस यही था नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सो so, इसके ये एम सी क्यूज़ अगर आप चाहते हैं तो मैं इन पर भी वीडियो लेकर आ सकती हूँ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो कैसी लगी वो भी बताना अगर मैंने कुछ गलत पढ़ाया हो तो मुझे करेक्ट जरूर करना एंड अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और एड ऑन करूँ या अपने पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज करूँ तो वो भी मुझे ज़रूर ज़रूर बताना थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को